मेरा नाम मोहम्मद जलाल है। मैं दिल्ली इलम समाबी से 10 साल पहले आया, और उससे पहले गांव में ही अपना शॉप था, उसको चला रहा था हम। जब यहाँ से आए, यहाँ दिल्ली में आने के बाद कई जगह नौकरी की है। हमने शुरुआत में ये काम हमारे घर में ही होता था, जो हमारे फादर और ब्रदर ये लोग कर रहे थे, तो उनके साथ ही काम सीखे और करे। उसके बाद कुछ दिन गांव में ही काम किए, उसके बाद दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली में आने के बाद काम कई जगह किए, जैसे स्टार्टिंग किए सुल्तानपुर, फिर यहाँ से छोड़ दिए, उसके बाद फिर ओखला, फिर हटको प्लेस और लाजपत नगर के आसपास। उसके बाद वहाँ से छोड़ने के बाद जब यहाँ का मैसेज मिला मास्टर जी का, तो हम कहे कि चलो देखते क्या है। मास्टर जी जब यहाँ आए तो पिछले 14 नवंबर को, तो हमने इसमें इंटरव्यू दिया तिगड़ी सेंटर पे जाकर। तो वहाँ से ओके होने के बाद फिर 15 से हम यहाँ ग्वालपाड़ी पे आ गए। जब से यहाँ तक यानी एक साल हो चुका है, यहाँ कंटिन्यू करते ही आ रहा हूँ। टीचिंग सही है, और हमें ये भी खुशी है कि चलो हमें आगे सिखाने का मौका भी मिल रहा है, और बच्चे हमारे आने के बाद बच्चे काफ़ी उत्साही होकर सीख रहे हैं। वैसे तो स्टार्टिंग हमारे घर से ही, लेकिन जब दिल्ली में आए ना, तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से पता चला कि हाँ वहाँ है, तो हम गए इंटरव्यू दिए। उसके बाद कुछ ऐसा जगह है कि सेलेक्ट हो गए, कुछ ऐसा जगह है कि कुछ नुक्स हो गया, यही सब है। हमें तो स्टार्टिंग में अजीब लगा कि ये सिखाने वाला बहुत ज़्यादा टेंशन है, और वाकई में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब यहाँ 70-72 जो भी स्टूडेंट हैं उनको संभालना भी है, वो 3 बैच करके चल रहा है, और यहाँ टाइम तो मुश्किल से मिल पाता है, 2-4-5 मिनट अगर मिल गया तो मुश्किल से, नहीं तो यहाँ बिजी ही है। और हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि बच्चे कुछ सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें मेन ये है कि लड़कियां औरत जो भी है, जो अपने घर से बाहर निकल के आती है और सीखती है और उत्साहित होकर काम कर रही है अपने भविष्य के लिए, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। चलो किसी के सहारे अगर किसी का नॉलेज आगे मिल रहा है तो सही बात है। हाँ वहाँ होती है, जैसे कोई होता है तो हैंड का काम किया, कोई डिजाइनर लोग भी है उसमें, 3-4 डिजाइनर भी साथ में काम किए, मैडम भी आती थी पीस देखकर जाना बताना, सजेशन लेना कि हाँ कैसे करना है। पैटर्न तो मास्टर कटिंग करते थे, वैसे लेडीज़ कहीं देखे नहीं हम पैटर्न के। और ये मास्टर जी हमारा इस तरह है कि इसमें लेडीज जेंट्स कुछ नहीं है, आप सब एक समान होकर काम कर रहे हैं। ऐसा है ना कि हम तो बताते ही, लेकिन उनके फैमिली जो चाहे, अगर जो जिनके साथ दे रहे हैं वो बेहतर सीख रहे हैं, जो खर्च से टेंशन लेके आते जाते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ, लेकिन वैसे ठीक है। कुछ समाज है यहाँ, ये तो गांव है, यहाँ कुछ समाज भी है और कुछ घर परिवार भी है कि चलो हम बेटियों के लड़कियों के बहुओं को क्या भेजें हम सेंटर में, 10 लोग देखेंगे रास्ते में, यही सब प्रॉब्लम होता है यहाँ। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि क्योंकि मैं भी गांव से ही बिलोंग कर रहा हूँ, मैं भी किसी गांव के रहने वाला हूँ, इसलिए कि मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। हाँ बदलाव आएगा इंडियन गारमेंट्स में, जो ये हमारे मास्टर जी जो कोर्स चला रहे हैं इनके द्वारे हमारे ओखला में गायत्री मैम के यहाँ वर्क हो रहा है, और काफ़ी लड़कियां वहां काम कर रही हैं। और शेयर मैं यही करना चाहूँगा कि यहां हमारे मास्टर जी ग्वालपाड़ी आए और इन बच्चों और लेडीज़ के लिए सुनहरा मौका लेके आए, और इनको आगे बढ़ाने की योगदान हम समझेंगे कि हाँ गायत्री मैम लेकर आई यहां, और उनके सारे मैं भी यहां जॉब कर रहा हूं, पिछले 1 साल हो गया हमें अच्छा लग रहा है, और हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर संतोष जी वो भी अच्छे मन से और काम कर रही हैं,
सब मिलके एकत्रित होकर कर रहे हैं।